छह बॉल छह विकेट हो जाएंगे पथिराना, छह बॉल छह विकेट हो जाएंगे पथिराना, छह बॉल छह विकेट हो गए, परफेक्ट है भाई। पथिराना ने छक्का भी मार दिया, छक्का भी मार दिया इस बंदे ने, विकेट कम थे तो छक्का मारा भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज होने वाला है चेन्नई वर्सेस गुजरात का गेम, और आज भैया हम लोग कोशिश करने वाले हैं गुजरात को जीरो पे ऑल आउट करने। गुजरात के हाल ही ऐसे हैं भाई, कर सकते हैं अपने। वेल, इसका इंतजार है, इस वीडियो को लाइक होने वाला है, 500 लाइक्स का पूरे कर दो। अगर तुम लोग चेन्नई के सपोर्टर हो येलो हार्ट स्पैम करो, गुजरात के सपोर्टर हो तो स्पैम करो भाई ब्लू हार्ट। चलते हैं वीडियो के अंदर, लेट्स गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज गेम टाइम। अहमदाबाद में हो रहा है ये गेम, सही है भाई, बड़े स्टेडियम में होने वाला है अभी के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर अभी के लिए आ चुके हैं टॉस टाइम, हम लोग लेने वाले हैं अभी के लिए हेड्स। लेट्स सी क्या होता है भाई इस गेम के अंदर, देखते हैं भाई हु इज गोना वन द टॉस। वी वॉन्ट द टॉस, वी गोना चूज टू बॉल फर्स्ट। अनफॉर्चुनेटली गुजरात, आपकी बैंड वैसे ही बजी पड़ी है सीजन पूरी, वैसे भी अब लास्ट पोजीशन पे आ गए, आरसीबी वाले ऊपर चले गए गुजरात की वजह से, आज और नीचे कर देंगे भाई। अपने बुलाने वाले हैं अपने बढ़िया पेसर, नहीं है यहाँ पर अपने पास पथिराना है ना, पथिराना को बुलाते हैं पहले ओवर से। यादव सर, मेरे को जीरो पे ऑल आउट करना है इनको भाई, तो फील्ड में सेट कर देता हूँ जिससे कि अगर रन भी जाए तो चौके ना लग जाए फालतू के ना, जैसे मेरे को लग जाते हैं कई बार। एक भी नो बॉल नहीं करानी, एक भी वाइड नहीं करानी है, साथ ही में विकेट टेकिंग बॉलिंग करानी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बॉल पे आउट हो चुका है, इसी के साथ जीरो बॉल पे पहला विकेट आ चुका है। हमें लेने 10 विकेट ऐसे के ऐसे सेम। पिछली वाली वीडियो में 500 का टारगेट लिया था लगभग 476 का, और पूरा किया था। आज की वीडियो में ऑल आउट करने की ट्राई करते हैं जीरो पे, ये रिकॉर्ड बनाना है यार मेरे को, मैंने बोला था इस सीजन में बनाऊंगा। और अब लास्ट चल रहे हैं सीन अभी गेम के। आई नो मैंने पहले बैटिंग नहीं करी काफी सारे मैचेस से, अगले वाले मैच में शायद पहले बैटिंग करके ट्राई कर लेंगे, बट अभी के लिए पहला विकेट आ चुका है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज अ फन टाइम। यहाँ पर चल रहा है आरसीबी वर्सेस पंजाब का लाइव मैच सामने मेरे, और ओले पड़ रहे हैं ग्राउंड पे, लिटरली ओले पड़ रहे हैं भाई। भाई हमें रिजल्ट चाहिए। शुभमन गिल इज गॉन फॉर जीरो रन। लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी टू से यार, अगर आरसीबी का मैच का रिजल्ट नहीं आना तो वैसे ही दोनों टीमें बाहर हो जाएंगी 100% फिर। और आरसीबी ने 119 रन ही बनाए हैं अभी। एक और विकेट इसी के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, पथिराना इज ऑन हैट्रिक, हैट्रिक। कई लोग बोलेंगे भाई तू यॉर्कर डाल रहा है, तू इजी मोड में खेल रहा है। भाई पहली बात, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर दूं, हॉट इवेंट्स में मोड चेंज नहीं होती है डिफिकल्टी। सेकंड चीज, यॉर्कर से विकेट आते हैं तो मैं लूंगा भाई, मुझे जीरो पे ऑल आउट करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर मुझे रन खाने होते तो मैं नॉर्मल बॉलिंग कराता ऑब्वियसली। मैच यार लंबे टाइम के लिए चला गया, आरसीबी का ओले पड़ गए हैं, बारिश आ गई है, बुरा हाल हो चुका है धर्मशाला में। अभी 119 रन बनाए थे यार 10 ओवर में आरसीबी ने, जा यार। पाटीदार ने भाई 50 मारी थी, कोहली की 50 होने वाली थी। पथिराना इज ऑन हैट्रिक, क्या हम लोग हैट्रिक कर पाएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। ट्राई तो मैं करने वाला हूँ, देखो ये इसने छोड़ा तो है, बच गई भाई, ये रोक लेता है ना मिट्टी का। पहले अभी भी बात ये है कि रन नहीं जाने चाहिए, एक आधा शॉट भी लग गया ना गाइस बैंड बज जाएगी अपनी। पकड़ ले प्लीज चौका, हमने भाई रिकॉर्ड 6 रन बना रखे हैं, अब 4 तक कोशिश करते नहीं यार, चौका निकालना था भाई प्लीज यार। वी विल स्टिल ट्राई टू टेक द विकेट्स गाइस, मेरे ख्याल से या तो मैंने गलत बॉलिंग करी है बिल्कुल, ये आउट है। अब आया है भाई यार, पहले क्यों नहीं आया भाई, अरे रिव्यू खत्म हो गया बे इनके पास, अरे रिव्यू सिस्टम गया बे, अनलिमिटेड रिव्यूज नहीं है अब इनके पास। ओ माय गॉड, यही तो अपडेट चाहिए था हमें, अभी अपडेट किया था यार मैंने गेम, फाइनली रिव्यू सिस्टम सही हो चुका है इस गेम के अंदर मेरे ख्याल से, लेट्स गो भाई। अभी लगातार 100 रिव्यूज नहीं ले पाएंगे, बट इन्होंने अभी भी यॉर्कर वाला सही नहीं किया बट ये बग नहीं है, इनको अपनी प्ले सही करना पड़ेगा इसके साथ ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज अनदर विकेट, इट इज अनदर विकेट। कुछ नहीं कर सकती सामने वाली टीम, रिव्यू ले ही नहीं सकते भाई, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे भाई। ओ यार ये अपडेट बढ़िया आ गया, लेट्स गो गाइस। 4 विकेट आ चुके हैं इस ओवर में, 4 रन खाए अपन ने, बट 4 को ऑल आउट कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। पथिराना एंड एवरी वन इज खुश। लेडीज एंड जेंटलमैन, 4 रन 4 विकेट फर्स्ट ओवर में आ चुके हैं, अब अगले ओवर में 6 विकेट चाहिए 6 बॉलों पर। वी आर गोइंग टू कॉल शिवम दुबे, बिकॉज राइट आर्म फास्ट बॉलर, मीडियम पेसर सही कर रहा है काम। सर आ जाओ आप, अपने विकेट निकालना है ठीक है भैया। डेविड मिलर यार, ये पूरे टाइम नॉन स्ट्राइक पे खड़ा रहा पिछले ओवर में, इस ओवर में विकेट चाहिए ब्रो, पकड़ ले यार, एक रन चला जाएगा मिनिमम, 2 रन ना भाग लें बस ये। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 रन भाग रहे हैं, रन आउट नहीं, 6 रन हो गए, हमारा लो स्कोर के पास पहुंच गई है ये टीम गाइस। अच्छी खबर ये, ओले पड़ने बंद हो चुके हैं अभी आरसीबी के मैच में। मेरे को कमेंट सेक्शन बताओ कौन जीता भाई, कौन सी टीम एलिमिनेट हुई है। वैसे कम्युनिटी में तो मैं डाल ही दूंगा जो भी टीम एलिमिनेट होगी भाई उसके रिलेटेड। नहीं एक और भाई यार, फिर से डायरेक्ट हिट नहीं लगा तो 2 रन हो जाएंगे, पहुंच गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दुबे भाई क्या कर दिया यार, 6 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, 0 पे ऑल आउट करना था वो भी तोड़ दिया भाई, अब तो ले लो विकेट। फिर से वही शॉट, इस बार तो लगता चौका ही चला जाएगा भाई, ऐसे करके 10 रन हो गए यार। ये मिलर ने सारा दिमाग खराब कर दिया भाई मेरा। मिलर भाई गलत खेल रहे हो आप, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इस बॉल पे फील्ड चेंज करनी पड़ जाएगी अगर इन्होंने और मार दिया तो। 6 बॉलों में 6 विकेट लेने थे,
यहाँ पर काम ही बदल गया पूरा। कम ऑन ब्रदर, कम ऑन, इट्स अ फाइनली विकेट दुबे ने ले ही लिया भाई। सॉरी ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर बट यू आर गॉन, तूने काफ़ी ज़्यादा मेरी बैंड बजाई है मिलर भाई, मेरे को जीरो पे या चार पे ऑल आउट करना था, भाई ने 10 तक पहुँचवा दिया स्कोर को। 5 विकेट मोर टू गो, कैन वी गेट इट? नहीं आ पाएंगे, ये रन भाग लेंगे और यार दो दो रन ले रहे हैं भाई, फील्ड सेट करनी पड़ेगी। कवर्ड सेट रहे हैं गाइस फाइनली, धर्मशाला से आरसीबी का मैच स्टार्ट होने वाला है अभी। पथिराणा को वापस बुलाना पड़ेगा, विकेट नहीं आया भाई, सिर्फ एक विकेट आया है पिछले ओवर में और हमें थोड़ी फील्ड सेट करनी पड़ेगी आई थिंक सो। आई डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क गाइस। पथिराणा इज ऑन हैट्रिक अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या पथिराणा की हैट्रिक हो पाएगी? पथिराणा वैसे चला गया ना छोड़ के चेन्नई की डगआउट, आइडिया होगी भाई, हैट्रिक होगी भाई, हैट्रिक हो गई, रिव्यू नहीं है, जो गाना फाड़ लो। पथिराणा तो मेरे ख्याल से भी इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए चला गया है। इन बात ये विकेट्स आ रहे हैं जो अपने को चाहिए थे ऑब्वियसली भाई, 12 रन पे भी ऑल आउट कर दो तो भी ठीक है, रिकॉर्ड तो टूट ही रहा है गुजरात के साथ। बाय बाय भाई, गुजरात के फैंस नाराज मत होए, आपकी टीम रियल लाइफ में भी ऐसे ही खेल रही है अभी अनफॉर्चुनेटली। बोल्ड, अरे भाई LBW हो रहा है, वेल क्लियर आउट था, रिव्यू ले भी लेते तो कुछ होता नहीं वैसे। सही है भाई, सही है, उछल उछल यार, बस उछल ब्रो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज अगेन ऑन हैट्रिक बॉल, इस ओवर की वैसे हैट्रिक हो चुकी है, 4 बॉलों में 4 विकेट आ चुके हैं, 5 बॉलों में 5 विकेट ले चुके हैं पथिराणा यार, 5 बॉलों में 5 विकेट, वी कैन गो फॉर 6 बॉल 6 विकेट राइट नाउ। पिछले ओवर की लास्ट 2 बॉलों में 2 विकेट आए थे ब्रो, भाई एक और विकेट ले ले प्लीज भाई, 6 बॉल 6 विकेट हो जाएंगे पथिराणा, 6 बॉल 6 विकेट हो जाएंगे पथिराणा, 6 बॉल 6 विकेट हो जाएंगे पथिराणा, 6 बॉल 6 विकेट हो गए, लेट्स गो Finally, इंतजार पूरा हुआ भाई इतने टाइम का, आज जीरो पे ऑल आउट नहीं कर पाए बट 6 बॉल 6 विकेट, इसे कहते हैं जलवा पथिराणा का यार, लेट्स गो भाई। 7 बॉल 7 विकेट हो जाएगा क्या? 7 बॉल 7 विकेट, हां भाई क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, 7 बॉल 7 विकेट लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज अ क्लियर आउट, रिव्यू लेने की जरूरत थी नहीं क्योंकि इनके पास था नहीं, पथिराणा ने आग लगा रखी है। लेडीज एंड जेंटलमैन आ रही है अभी के लिए CSK की टीम वापस, क्योंकि हमें थोड़े से रन ही बनाने हैं बिल्कुल अभी, बिकॉज सबका मैच जा रही है अभी के लिए, तुम्हारे लिए शायद तक छोटी वीडियो होगी क्योंकि सारे विकेट्स मैं ले चुका हूँ। हम बुलाने वाले हैं अभी के लिए MS धोनी से ओपनिंग कराएंगे ऑब्वियसली, एंड हम लोग कराने वाले हैं रविंद्र जडेजा, वैसे पथिराणा से ही लगवाऊंगे यार, पथिराणा ने विकेट लिया, पथिराणा ही डिजर्व करता मारा ना, पथिराणा एंड धोनी से कराते हैं, पथिराणा से भाई स्ट्राइक पर रखेंगे, पथिराणा एंड धोनी इज हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, पथिराणा से आज रन भी लगवाएंगे अपने, कोई टेंशन की बात नहीं है गाइस, अगर तुम लोगों को चाहिए कि नेक्स्ट गेम, वैसे नेक्स्ट गेम होने किसके बीच वाला है वो देखते हैं, पहली बॉल आने वाली है स्मिथ भैया की, पथिराणा भैया पहली बॉल पे 6 मार दो, मैं तो कहता हूँ मुझे आ जाएंगे, चौका मार दिया भैया ने, 13 रन का टारगेट है, 4 रन लग चुके हैं अभी, वी स्टिल नीड कितने रन भाई इस ओवर में खत्म करने की कोशिश तो करेंगे, देखो ऐसी बात नहीं है, परफेक्ट है भाई, पथिराणा ने छक्का भी मार दिया, छक्का भी मार दिया इस बंदे ने, विकेट कम थे तो छक्का मारा भाई, 3 रन्स मोर टू गो गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन 3 रन्स टू विन, पथिराणा इस बॉल पे भी 6 मार के जिता दे ब्रो, गुड शॉट है, चौका चला जाएगा एंड चेन्नई सुपर किंग वॉन द गेम, 7 विकेट्स आए हमारे, सो मैच के अंदर खतरनाक गया भाई, ऐसी बात नहीं है, फुल ऑन गजब का मैच गया, दिस इज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 7 बॉल 7 विकेट्स, कमेंट सेक्शन में आकर रोना मत चालू कर देना, मोड को लेके मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और विकेट समय चाहिए तो मेरे को यॉर्कर ही डालनी पड़ती है भाई, पथिराणा बिकम द मैन ऑफ द मैच 9 विकेट्स एंड 14 रन, भाई 10 विकेट भी ले सकता था पूरा, अब देखते हैं अगला मैच किसके बीच होने वाला है। स्कोर कार्ड देखा जाए तो अभी के लिए अपने अगर चेन्नई की बॉलिंग के बारे में बात करें गाइस तो पथिराणा ने 2 की इकोनॉमी से रन दिए हैं, दुबे ने कितने रन दिए थे, दुबे का नाम नहीं आ रहा है, दुबे ने 8 की इकोनॉमी से दिए हैं, बेजार रे दुबे, 8 रन में डुबा गए, 0 पे ऑल आउट कर सकते थे अपने, 4 पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बट 7 बॉल 7 विकेट, वी गॉट इट। नेक्स्ट मैच होने वाला है किसके बीच में लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, कोलकाता वर्सेस मुंबई, 500 का टारगेट क्या करा जाएगा इस, वेल कमेंट सेक्शन में लिखो भाई किस टीम के साथ खेलूं और साथ ही में भाई इतने का टारगेट चाहिए भाई, 500 का लगवाएं ना लगवाएं, तो वेल स्टूडियो लाइक पूरा कर देना, मैं तुमसे मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय, हैव फन, बाय बाय। मुस्कुराहट थी जाने ये कैसी, इसमें कुछ तो बात थी, मुस्कुराहट थी इस दिल के धड़कने की यही तो राज थी।